नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अपने घर में अच्छे होंगे और सेफ होंगे। मेरा नाम किरण गुप्ता, अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज फिर से मैं एक मोदी केयर के वंडरफुल प्रोडक्ट को लेके आई हूँ। मेरा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, इसी की वजह से ज्वाइनिंग ली थी इसके अंदर। तो क्या इसके बेनिफिट है और ये कैसे इतना अच्छा है जिसकी वजह से मुझे इसमें ज्वाइनिंग करने के लिए मजबूर कर दिया था, तो आज आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। हम लेडीज़ बहुत सारे काम करते हैं घर में, जैसे ही बच्चों के कपड़े हो गए हैं, स्कूल से आते हैं, बहुत तरह के दाग लगा लेते हैं, वाटर कलर लगाए हैं, पेन लगाया है, तो इजीली निकलते नहीं है। ये बहुत बड़ी परेशानी है हमारे लिए कि हम उसे कैसे क्लीन करें जो अगले दिन बिल्कुल नए जैसे रहें। तो उसको नए जैसे रखने का काम ये करता है। इसका नाम है डज़ ऑल। इसके नाम से ही पता चल रहा है, डज़ ऑल यानी कि मल्टीपर्पज़ क्लीनर है। ये हर एक चीज़ में यूज़ होता है। वो कैसे यूज़ होता है, चलिए आज मैं आपको कुछ डेमो के ज़रिए आपको बताते हुए, डेमो करते हुए दिखाना चाहूँगी ये कैसे काम करता है। आइए चलते हैं डज़ ऑल की डेमो की ओर। ये मेरे पास मैकी लॉन्ग स्टेल पिस्टिक है, मैं अपने हाथों पे दाग लगा रही हूँ। मैंने पिस्टिक का दाग लगाया है फ्रेंड्स, जो कि जल्दी से नहीं निकलता है। ये मैंने पेन का दाग लगाया है, कई बार शर्ट में पेन रह जाता है और इंक लीक हो जाती है, या कई बार वॉश हो जाता है, बच्चे पेन की जेब में भी रख लेते हैं तो, या और स्कूल में काम करते हुए बहुत तरह के पेन के निशान लगा के लाते हैं, शाइन छिड़क जाती है, तो बहुत ये निशान नहीं जाते जल्दी से, और जो कपड़े थोड़े दिन में पुराने होने लगते हैं और बुरे लगने लगते हैं। ये स्टे मार्कर है, ये मार्कर चलाया है मैंने, जिसका आपको पता ही है मार्कर के निशान किसी भी तरह से नहीं जाता। बोट पॉलिश, ये पॉलिश है ब्लैक कलर की, तो आजकल लिक्विड यूज़ करते हैं बच्चे, तो मैं इसका दाग लगा रही हूँ क्योंकि इसका दाग उससे भी पक्का होता है। जब बूट पॉलिश वगैरह करते हैं तो आप ये देखते ही होंगे कि वो दाग आसानी से नहीं निकलते हैं, और जो हमारे हाथों पे भी लग जाती है वो नहीं निकलती, और जिस कपड़े से हम रफ करते हैं वो कपड़ा भी ख़राब हो जाता है। और हमने बहुत मेहनत करके, जैसे हमने बूट पॉलिश करते हुए सॉक्स पहन के किए तो सॉक्स पे भी निशान आ जाते हैं, वो क्लीन नहीं होते, और हमें काफ़ी टाइम लग जाता है इन्हें वॉश करने में, क्लीन करने के लिए। तो आप इन सब दागों को कैसे हमारे डज़ ऑल से क्लीन कर सकते हो? आप अपने कपड़ों पे भी, जिस तरह का भी दाग लगाए अपने सूखे कपड़े पे ही इसे यूज़ करना है। मैं इसकी कैप में थोड़ा सा इसे निकाल रही हूँ। आपको उस पर डायरेक्ट लगाना है, पानी में मिला के दागों पे नहीं लगाना है, आपको उसे डायरेक्ट लगाना है उन दागों पे इस तरह से, और लगाकर कपड़ों पे आपको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ना है आपको, ठीक है? अभी ये हाथ ही तो मुझे यहाँ छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं इसे रब करना शुरू करती हूँ। ये देखिए किस तरह से दागों को छुड़ाएगा। आपको कपड़ों पे क्या करना है कि 10-15 मिनट इसे लगाकर छोड़ना है और इसका काम हो जाएगा। 10-15 मिनट के बाद आप इसे वॉशिंग मशीन में डाल सकते हैं कपड़ों को अपने, या आप जब हाथ से धोते हैं तो वही टब में भिगोकर, जैसे भी आपको वॉश करना है आप उस तरह से उन्हें वॉश कर पाएंगे। कपड़ों पे दागों पे या वहीं पे दाग वाले हिस्से को भी आप खाली क्लीन कर सकते हैं। कई बार नया कपड़ा होता है, वॉश किया हुआ होता है, पर पहनने के बाद या कुछ दाग लग जाता है, तुरंत आप उसको वहीं से क्लीन कर सकते हैं। कॉटन में लेकर इसको थोड़ी देर लगाकर छोड़ना, फिर उसी कॉटन को गीला करके आप वहाँ से थोड़ा सा रगड़ के आप वहाँ से निकाल सकते हैं उस दाग को। हमारे इसके अंदर कोकोनट ऑयल मिक्स है, जिसकी वजह से आपकी स्किन को किसी भी तरह का हार्म नहीं करता है। इसे वॉश करने के बाद भी आपके हाथ सॉफ्ट और स्मूथ रहते हैं, किसी तरह की एलर्जी का कोई नहीं, क्योंकि कोई किसी भी तरह का कोई केमिकल इन दागों को हटाने के लिए इसके अंदर नहीं डाला गया है, और सब तरह के दागों को ये इजी से निकाल देता है। आपके चॉकलेट के दाग हैं, जैसे ब्लड का दाग होता है तो नहीं निकलता है, कई बार दाना वाना हो जाता है, ब्लड आ रहा है, चोट लग गई है, तो हम कुछ पूछ लेते हैं या उस कपड़े पर दाग लग जाता है उस चीज़ का, तो वो दाग भी निकालता है। 3 तरह के दाग ये नहीं निकालता फ्रेंड्स। एक तो जंग का दाग नहीं निकालता, पान या गुटके का दाग ये नहीं निकालता, और एक जो कपड़े पे जो डाई कलर चढ़ जाते हैं वो ये दाग नहीं निकालता, और बाकी सब तरह के दाग ये निकालता है। आपके किसी भी तरह के दाग हो, जैसे आजकल मैंगो आम का सीज़न है, अभी इस समय मैंगो घर में आ रहा है, और आपने देखा होगा कि मैंगो के दाग जल्दी से नहीं निकलते। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं एक वाइट कलर का रुमाल है बिल्कुल मेरे पास, इस कोने से मैं इसे यहाँ से पकड़ के क्लीन कर रही हूँ बिल्कुल। अब ये देखिए मेरी स्किन भी साफ हो गई है और दाग भी सारे ही निकल गए हैं इजीली। अब ये देखिए आपके ये रुमाल, ये नया रुमाल है, बिल्कुल गंदा हो गया, इस पर निशान आ गए हैं, तो ये इस पर भी निशान नहीं रहेगा। मैं अलग से कोई और डज़ ऑल नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये पहले से इसमें लगा हुआ है डज़ ऑल, और मैं इसमें पानी में इसको रुमाल को क्लीन कर रही हूँ, ये इस पर से भी दाग को छुड़ा देगा।
क्योंकि इसमें डर्जो लगा हुआ है, बहुत ही गाढ़ा है ये, बहुत कम यूज़ होता है और बहुत, देखिए आप पानी का कलर किस तरह से इसने कपड़े के ऊपर भी, जब हम डस्टिंग करते हैं तो आप नॉर्मल देखोगे कि कपड़ों के ऊपर दाग आ जाते हैं, तो आप ये देखिए इस पर किसी भी तरह का दाग नहीं आया। तो है ना वंडरफुल प्रोडक्ट, क्या आप अपने घर के दागों को ईजिली निकाल पाते हो कपड़ों के? इस तरह से सारे दाग को ये ईजिली इसने निकाल दिया है फ्रेंड्स। अभी डस्टोल हमारा बहुत अच्छा काम करता है, जैसे ही स्कूल से बच्चे आते हैं, शर्ट कॉलर बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है शर्ट्स की कॉलर, और हम उन्हें ब्रशिंग करते हैं धोते हुए, तो बहुत जल्दी फट जाती है या उसमें बबलिंग हो जाती है, क्योंकि रगड़ने से कपड़ा ख़राब होता है। पर आपने यदि उतारते ही बच्चे के सीधा उसको ड्रेस कॉलर पे आपने उसी के ऊपर लगा दिया, चाहे यदि अगले दिन आपको धोना वॉशिंग मशीन में तो उसमें धो सकते हैं, आपको हाथ से धोना है तो आप टब में भिगो के उसे धो सकते हैं बहुत ईजिली। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है कि दाग को ही निकाल देता है। जहाँ से भी आपके कपड़े आपको ज़्यादा गंदे लगते हैं वहाँ ड्रेस लगा सकते हैं, नहीं तो आपको लगता है नॉर्मल है तो आप उन्हें डिप करके रख सकते हैं। बहुत आने जाने के कपड़े होते हैं फ्रेंड्स हमारे, जो हमें ज़्यादातर डायरेक्टली नहीं कराने पड़ते हैं, घर में हम वॉश नहीं कर सकते, हम इसकी हेल्प से अपने उन सॉफ्ट कपड़ों को, अपने कीमती कपड़ों को भी वॉश घर में ही कर सकते हैं। आपको जल्दी से ड्रैकलिन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके हम एक कपड़े के ड्रैकलिन के आप देखिए आप 100 के करीब कम से कम पैसे आप दे आते हो शॉपकीपर को, क्योंकि हमें देने ही पड़ते हैं, ड्रैकलिन बहुत महंगी है। आप वो कपड़े अपने घर में कर सकते हो वॉश, जैसे शर्टें होती हैं, पैंट कोट होते हैं, इन सब चीज़ों को आप घर में क्लीन कर सकते हो, जिन पे बहुत भारी है जो कि आप उनका वेट नहीं संभाल सकते, वही कपड़े आप ड्रैकलिन कराओगे। अदरवाइज जो नॉर्मल वेट के कपड़े हैं, आपकी कीमती साड़ियाँ हैं, क्योंकि जब से ही मेरे घर में आया है मेरे ड्रैकलिन के कपड़े नहीं जाते, मैं घर में ही ड्रैकलिन करती हूँ। एक और प्रोडक्ट है फ्रेंड्स हमारा, इसके साथ डेलिकेट दोनों मिलके हमारे कपड़ों को ड्रैकलिन करते हैं और शाइन देते हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, तो आप भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। हर तरह की दाग को निकालता है, आपके लकड़ी के फर्नीचर पे मार्कर का, या कई बार हम बैठ के सिराने जब टेक लेके बैठ जाते हैं, आपने देखा होगा पीछे की दीवार जो होती है बैठ की ऑयली हो जाती है, वो जो लकड़ी का वो जो पीछे का साइड होता है आप वो देखोगे ऑयली हो जाते हैं, क्योंकि सिर की टेक लगने से वो ऑयल हमारा उन पर लगता रहता है, जिसकी वजह से वो चिपचिपाहट उसके ऊपर हो जाती है। पर इससे आप उसे क्लीन कर सकते हो। उसके लिए इस लिक्विड को आप कैसे बना सकते हो, उसके लिए आप ड्रेट नहीं यूज़ करने की जरूरत है। दीवारें यदि आपकी वॉशेबल हैं, जिसको भी आप जो भी चीज़ प्लास्टिक है, दीवार यदि पेंट ऐसा है वॉशेबल है, तो आप हर चीज़ को इससे क्लीन कर सकते हो, हर चीज़ के दाग को, अपने फ्रिज को जैसे अंदर से येलोपन आ जाता है फ्रिज में, तो आप उसको भी क्लीन कर सकते हो। एसी का सीज़न है अभी, आप देखेंगे तो 2-3 साल बाद एसी पीला पीला हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो आप उसको भी क्लीन कर सकते हैं। अपने स्विच बोर्ड को भी इससे क्लीन कर सकते हैं। उसके लिए आप इसे कैसे बनाएं, चलिए आइए मैं बताती हूँ आप इसका कैसे सोल्यूशन बना सकते हो, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा है, इसमें काफ़ी क्वांटिटी में आप लिक्विड बना सकते हो क्लीनिंग का। तो कैसे बना सकते हो, ये मैंने स्प्रे की बोतल ली है, इसमें पीने का पानी लिया है इतना, और आपने पूरी बोतल में भी सिर्फ आधी कैप इसकी लिक्विड की डालनी है, ये 10 ml बस। ये देखिए मैंने इतना सा ये ढक्कन में लिया है और मैं इसमें डाल रही हूँ। अभी आपके जहाँ भी दाग हैं, टाइलें हैं, चिकनाई हो रही है टाइलों पे, पीछे आप वॉश बेसिन आपका गंदा है नीचे से भी, और आपके बाथरूम में भी जो भी चीज़ें गंदी है, आप सब चीज़ें इससे, ये आपका स्प्रे तैयार हो गया। देखिए इस तरह से झाग आ गए, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा है और आपके क्लीनिंग के लिए तैयार है। फ्रिज में भी आप इस तरह से स्प्रे करके इसे क्लीन कर सकते हो, किसी तरह का केमिकल नहीं है, आपकी किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं देता है। तो फ्रेंड्स डस्टोल मल्टीपर्पज़ क्लीनर, आप अपनी हर एक चीज़ जो इसके दाग आपसे नहीं निकलते आप उसे क्लीन कर सकते हो, क्योंकि हर तरह के स्टेन को ये रिमूव करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया अपनी वीडियो में, 3 तरह के दाग ये नहीं निकालता है और बाकी सभी तरह के दाग ये निकलता है। दाग आपका यदि पुराना है, उसे आप कई बार वॉश कर चुके हो, वो आपका 2 से 3 बार ही वॉश में जाएगा, और यदि दाग आपका नया है, आज ही लगा है और अपने फर्स्ट टाइम वॉश करने में ही इसे यूज़ किया है, तो आपका दाग एक ही वॉश में निकल जाएगा। और फ्रेंड्स जैसे ऊनी कपड़े होते हैं आपके, सॉफ्ट कपड़े होते हैं, उसको भी ये डेलिकेट और शाइन रख देता है, आप उनके लिए भी इसे इजी की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हो, इजी से शाइन देता है, ये उनकी गंदगी भी निकालता है बहुत अच्छे से, क्योंकि स्टेन रिमूवर है। आप वॉशिंग मशीन में भी इसे यूज़ कर सकते हो और हाथ से धोने के लिए आप बाल्टी या टब में भी इसे यूज़ कर सकते हो। आज का वीडियो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा है, इसके लिए मुझे प्लीज़ ज़रूर आप कमेंट के जरिए बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है, और मेरी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।